राजधानी दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर अंतर राज्य बस टर्मिनलों पर इस समय बेहताशा भीड़ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले कुछ लोगों को तो टिकट भी नहीं मिल पा रही है, मगर कुछ लोग टिकट की कतार में अभी भी खड़े हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार के द्वारा जो 400 के करीब स्पेशल ट्रेन चलाई गई है उनके माध्यम से ही सही मार्ग पर वह घर पहुंच जाएंगे। इस वक्त आनंद विहार रेलवे टर्मिनल पर जहां पर हजारों की भीड़ बैठी है, वहीं सरकार के द्वारा टेंट लगाए गए हैं जहां लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। इसी के साथ एक बड़ी स्क्रीन पर छठ पर्व से संबंधित गीत भी दिखाई जा रहे हैं ताकि वहां बैठे लोगों को संगीत का आनंद मिल सके। इसी के साथ यात्रियों ने कहा है कि सरकार के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, बैठने के लिए जगह का इंतजाम किया गया है। यात्रियों ने ये भी कहा है कि पुलिस द्वारा लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, जब आपकी बारी आएगी तभी आप रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली और छठ के समय में काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी हमारे यात्रीगण ईस्टर्न यूपी साइड और बिहार साइड की यात्रा करना चाहते हैं अपना छठी मैया का पर्व के लिए और दिवाली के लिए। तो उसके तहत पिछले साल की तरह हम लोग ने काफ़ी तैयारी की है, चाहे वो नई दिल्ली हो जहाँ पर कि हम लोगों ने अतिरिक्त 900 अफसर स्टाफ सीनियर DSC दिल्ली मेरे बगल में है, कोऑर्डिनेशन इनके नेतृत्व में वहाँ पे हम लोगों ने किया है और काफ़ी गैजेटेड ऑफिसर्स वहाँ पोस्टिंग की है। नॉर्दर्न रेलवे के अलग अलग जगहों से हम लोगों ने ऑफिसर्स बुलाए हैं। इसके अलावा रेलवे बोर्ड और DG साहब के सहयोग से हमें RPSF की भी कंपनियाँ मिली है। इसी तरीके से आनंद विहार में जहाँ लीड कर रही है हमारी सीनियर DSC जो प्रियंका जी हैं, यहाँ पर भी हम लोगों ने 650 के स्टाफ लगाए हैं। पुरानी दिल्ली में भी हम लोगों ने 200 से ऊपर स्टाफ लगाए हुए हैं। तो हम लोग अपनी ओर से क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट, होल्डिंग एरिया से प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म पर लाने के समय में उनको ठीक से गाइड करते हैं, जिससे कि सभी ट्रेन्स ठीक तरीके से अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रही है। सर, किस तरह से छठ पर्व पर कितनी अतिरिक्त ट्रेनें जो है वो पर आपको यह सवाल कमर्शियल डिपार्टमेंट का है, लेकिन काफ़ी अनेक ट्रेन पिछले साल की तरह जहाँ तक मुझे ध्यान है, सब्जेक्ट टू करेक्शन बाय कमर्शियल डिपार्टमेंट, 400 से अधिक अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था अभी है और इसके अलावा भी रिजर्व में हमारे सिस्टम में नॉर्दर्न रेलवे में काफ़ी ट्रेन्स हैं, जिससे कि किसी भी समय जब भी जरूरत होती है तो हम लोग 20 से 25 मिनट के अंतराल में एक क्लोन ट्रेन चला देते हैं। अभी मैं परसों रात में ही नई दिल्ली का दौरा कर रहा था DRM साहब के साथ, तो एक ट्रेन थी जो कि 10:40 में चलनी थी, 10:40 में उसमें भीड़ थी काफ़ी, उसमें उनको विदा किया गया उस समय के पैसेंजर्स को, और 11 बजे दूसरी क्लोन ट्रेन की व्यवस्था की DRM साहब ने, क्योंकि तो हमारे पास रिजर्व में काफ़ी ट्रेन हैं, इसलिए यात्रियों को हम लोग कभी भी कोई असुविधा नहीं होने देंगे। यह हमारा प्रयास पिछले सालों में भी था, इस साल भी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा धनंजय कुमार। धनंजय जी, कहाँ जाने की तैयारी है, कैसी? हम मधुबनी बिहार जा रहे हैं। तो क्या छठ पर्व मनाने के लिए निकले हैं? जी, छठ के लिए। कितनी भीड़ है रेलवे स्टेशन पे, क्या व्यवस्थाएं हैं? भीड़ तो काफ़ी है, लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से भी और रेलवे विभाग की ओर से भी देखने को मिल रहा है सही व्यवस्था है। यहाँ हेल्प डेस्क भी लगाया गया है और यात्री को परेशानी ना हो इसके लिए यात्री को लाइन बाय लाइन जो है सो अंदर ले रहा है। ये सब यात्री को सुरक्षा को देखते हुए व्यवस्था तो सही है। जिस तरह से रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं जी और फेरे बढ़ाए हैं जी, तो क्या लगता है कि पूरा हो जाएगा या और चलानी चाहिए? और चलानी चाहिए, क्योंकि जितना बिहार और यूपी के पूर्वी साइड में जो है ना, इसको जो है सो अधिक माना जाता है, इस पर्व को उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को, इसीलिए वहाँ का धार्मिक सबसे बड़े पर्व के रूप में इसे मानते हैं हम लोग। तो इसके में जो है ना, हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और सारे लोग जितने हैं बिहार और यूपी के लगभग पूर्वी क्षेत्र के, वो सारे जाते हैं वहाँ अपने घर पे मनाने के लिए। क्या महत्व है छठ पूजा? छठ में जो है ना, इसमें अपने पुत्र के लिए जो है सो छठ देवता यानी सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है और उनके कारण जो है उपासना किया जाता है छठ में। हेलो, मेरा नाम मिठू कुमार है। कहाँ पर हैं आप और क्या व्यवस्थाएं हैं?
अभी हम आनंद विहार में हैं, ISBT में। यहाँ पर रहने के लिए और यात्रियों को जाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे छठ में जाने के लिए सारी भीड़ लगी हुई है। कितना लग रहा है जो आम दिनों में और छठ में कितना भीड़ आपको लग रहा है कि इस बार ज़्यादा है? पिछले साल के मुकाबले इस बार अभी ज़्यादा है। अभी और तो धीरे धीरे छठ के टाइम और नज़दीक आएगा, फिर और बढ़ेगी, और ये अभी छठ तक चलता ही रहेगा। ये क्या भीड़ जो है वो व्यवस्थाएँ आपको ठीक लग रही हैं यहाँ? व्यवस्था सही है, यहाँ रहने का भी बैठने का भी सारा व्यवस्था कर रखा है। जैसे ट्रेन है जिसका, उसी हिसाब से अंदर जाने दिया जा रहा है। ये सब सही व्यवस्था किया गया है यहाँ। ट्रेनों को लेकर क्या कहेंगे कि अभी कुछ ट्रेनें स्पेशल चलाई गई हैं या यात्रियों की संख्या को देख? ट्रेनें स्पेशल चलाई गई है, लेकिन अभी सरकार को और चलानी चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत कमी महसूस हो रही है ट्रेनों की। ये टिकट मिल नहीं पा रहे बंदे को, ये सबसे परेशानी ज़्यादा हो रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।